बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में अगले 3 वर्षों में 120 नए बाईपास का निर्माण किया जाए। इसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 11 बाईपास का निर्माण होगा। इसकी कुल लंबाई 20.10 किलोमीटर की है, जबकि सबसे अधिक लंबे बाईपास की बात करें तो कैमूर अव्वल में है। कैमूर में मात्र 6 बाईपास ही बनेंगे, जिनकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर है। खर्च के हिसाब से देखा जाए तो कटिहार में 33 किलोमीटर लंबा मात्र 4 बाईपास बनेगा। इसके निर्माण में 419 करोड़ खर्च होंगे, जो सबसे अधिक है। बिहार का इकलौता जिला लखीसराय है जहां एक भी बाईपास का निर्माण नहीं होगा। बताते चले कि हाल में ही लखीसराय में नई बाईपास का उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पथ निर्माण विभाग की ओर से सोमवार को सुलभ संपर्कता योजना के तहत प्रोजेक्ट में राज्य में बनने वाले बाईपास का ब्यौरा पेश किया गया। सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्कता योजना पर काम कर रहे हैं। बाईपास बनने के लिए विभाग ने राज्य के सभी जिलों से पथवार अध्ययन किया। अध्ययन में इस बात पर जोर रही कि किस इलाके में सबसे अधिक जाम की समस्या है। इसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग और नगर निकाय जैसे कई लोग सड़कों को चिन्हित करेंगे, जिसे चौड़ा कर आसानी से बाईपास बनाया जा सकता है। वैसे आवश्यकता अनुसार सिंचाई विभाग के अधीन तटबंधकों को भी सड़क के रूप में विकसित किया जा सकता है।